सीएमएस ने ट्रामा सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए। फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने सरकारी ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की, जिस पर उन्होंने वहां पर मौजूद चिकित्सक व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एमएस डॉक्टर नवीन जैन से सरकारी ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से हालचाल पूछते हुए तीमारदारों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल की। जिस मरीजों ने मेरे पास कम्बल और बेड चादर नहीं मिले, जिस पर उन्होंने कहा वहाँ पर मौजूद चिकित्सक व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों से कई बिंदुओं पर जानकारी हासिल की। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। सर, आज आपने ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया है, किस तरह का निरीक्षण मिला और क्या यहाँ पे क्या कमियां मिली आपको देखने के लिए पेशेंटों से? आज हमने जो किया है उसमें मैंने ये चेक किया है, जितने मरीज भर्ती है उनकी क्या उनकी वह समस्याएं हैं, तो जो पाया मैंने सभी मरीज ज्यादातर वो है संतुष्ट है, उनको जितनी दवाइयाँ मिल रही हैं वो लगी हैं। एक दो जगह पर है ना मरीजों के पास कंबल नहीं थे, उसके लिए मैंने टूर स्टाफ को डांटा है कि ये इस तरह की दिक्कत आप भविष्य में नहीं आनी चाहिए। जो भी मरीज भर्ती हुआ है चादर हरेक के पास होनी चाहिए बिछी हुई अलग, और एक ओढ़ने के लिए कंबल, फिर भी आवश्यकता किसी को अगर होगी तो एक कंबल और भी दिए जाएंगे इनको। और जो भीड़ एक्स्ट्रा लगा रखी है लोगों ने, उनसे लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग हर मरीज के साथ एक या दो लोग रखें, ज़्यादा भीड़ ना करें, बाकी सब व्यवस्था ठीक है।